सुनिए, आप लोग ठीक समझ रहे हैं, हमारी अहिल्या ही मालवा का भविष्य है और हमारी उत्तराधिकारी भी। जिस संस्कृति को धरोहर बनाने की बात आप लोग करते हैं, यकीन मानिए उसे धरोहर बनाकर बचाए रखने का कार्य अहिल्या कर सकती है। और अहिल्या ने सही कहा है, एक स्त्री जब अर्धांगिनी बनती है और वो जब अपने पति को खोती है तो उसके सती होने से पूरे परिवार का दुख दुगना हो जाता है। हर स्त्री को अपने पति की मौत के बाद जीने का हक है, ताकि वो स्वेच्छा से अपने परिवार की सेवा करे, उनकी देखरेख करे, उनका पालन पोषण करे। और इसकी देखा देखी कल को औरतें सती होने से इनकार करती हैं और अपने परिवार के सहारे की लाठी बनती हैं, तो एक राजा होने के नाते हम उनका समर्थन भी करेंगे और उनकी सहायता भी। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। याद रहे, लय तभी आती है जब लय टूट जाती है। आप न केवल लय तोड़ रहे हैं बल्कि लय तोड़ करके उसके घरों में चूर हैं। अहंकार से आपकी भाव भंगिमा विकृत हो गई है, इसके परिणाम विपरीत होंगे। हम वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मालवा के विकास की आखिरी उम्मीद हम अग्नि के हवाले नहीं कर सकते। ये हमारा फैसला है, आखिरी उम्मीद को बचाने का आखिरी फैसला। आप लोग सुन लें, अहिल्या ने महारानी जीवन का त्याग करके खंडराव के प्रति अपनी निष्ठा साबित की है और अब वो एक आई बनकर अपनी प्रजा को संभालने वाली है। इस पर हम कोई बहस नहीं चाहते, फिर भी अगर अहिल्या की तरफ किसी की उंगली उठी तो उसका जवाब हमारी तलवार देगी। अहिल्या, हमारा ये फैसला किसी निजी स्वार्थ से नहीं जुड़ा था और ना है, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। अब हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है और किसी से नहीं। अपने आप से भी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।